दोस्तों क्या आप जानते हैं मच्छर हमारे सिर के ऊपर क्यों मंडराते रहते हैं। सिर पर मंडराने वाले मच्छरों में ज्यादातर संख्या मादा मच्छरों की होती है। मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थों में रुचि रखती हैं, जिसे हम लगातार निकालते हैं। मच्छरों के शरीर पर एंटीना पर सेंसर लगे होते हैं, जो इन चीजों का पता लगाते हैं और भोजन का स्रोत पता लगाने में उनकी मदद करते हैं। मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड काफी पसंद होती है। ऐसे में जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सिर के ऊपर उड़ रहे मच्छरों को इनकी गंध काफी पसंद आती है। इसी गंध के आकर्षण के चक्कर में मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। मच्छर को इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध काफी अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा है कि जिम या कसरत करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, मच्छरों की टोली आपके सिर को घेर लेती है। दरअसल सिर में बाल होते हैं, ऐसे में वहां पसीना जल्दी सूख नहीं पाता और मच्छर इसी का फायदा उठाते हैं। मच्छर और कुछ अन्य प्रकार की मक्खियां आमतौर पर निर्जीव जगहों पर संगम करती हैं, जैसे कोई पेड़, लेकिन कभी कभी ये किसी इंसान या किसी जानवर के सिर का भी इस्तेमाल करते हैं। मच्छर विशेष रूप से ऑक्टेनॉल मानव पसीने में पाए जाने वाले एक रसायन का नाम है के शौकीन होते हैं। इसीलिए यदि हमें जब बहुत पसीना आ रहा होता है तो हम इनके आसान लक्ष्य बन जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।